नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो पे हम देखने वाले किस तरीके से हम अपने पुराने फोन के व्हाट्सएप के सारे डेटा को किस तरीके से नए फोन पे हम रिस्टोर कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं दोस्तों ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इमेज, वीडियो और आपने चैट करे होंगे दूसरे से, सारे मैसेजेस को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है अपने पुराने फोन पे। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो चैट है आपको देखने को मिल रहा होगा। जब हम ट्रांसफर कर लेंगे दोस्तों, सेम टू सेम आपको नए फोन पे भी देखने को मिल जाएगा। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। आपको यहां पे चैट वाले सेक्शन पे चले जाना। चलिए हम चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको चैट बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट डेटा को यूज करते होंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को इंक्लूड कर सकते हो, वरना दोस्तों चैट बैकअप लेने से पहले आप अपने वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस पे आप कॉपी कर लेना। गूगल अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ से गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप बैकअप चाहते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओनली व्हेन आई टैप बैकअप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। याद रखे दोस्तों, आपका जो मोबाइल फोन है वो इंटरनेट डेटा से कनेक्टेड रहना चाहिए। साथ ही दोस्तों जिस भी गूगल अकाउंट को आपने चूज करा है वो गूगल अकाउंट इस मोबाइल फोन पे लॉग इन रहना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो डेटा है व्हाट्सएप का वो गूगल ड्राइव पे बैकअप होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जब आप नए फोन पे व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे तो आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं और आपका सारा का सारा डाटा जो भी आपने बैकअप लिया है सारा आपको नए फोन पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये बैकअप का प्रोसेस आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, तो दोस्तों जितना फास्ट आपका इंटरनेट स्पीड होगा उतना ही जल्दी आपको बैकअप देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे गूगल ड्राइव पे बैकअप का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम गूगल ड्राइव को ओपन करके आपको दिखा देते हैं आपको ये कहां देखने को मिल जाता है। दोस्तों जब आप गूगल ड्राइव को ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको बैकअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो भी बैकअप करा होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आपको अपना नया फोन या फिर जिस भी फोन पे आप रिस्टोर करना चाहते हो बैकअप को, उस फोन को ले लेना है और सिम कार्ड को इंसर्ट कर देना है। दोस्तों सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको डेटा को ऑन कर लेना है, फिर आपको प्ले स्टोर पे आप अपना गूगल अकाउंट को साइन इन कर ले दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट को साइन इन कर लेते जिस अकाउंट पे हमने बैकअप करा है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं करना है। मोर पे क्लिक करके एक्सेप्ट वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपका जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं करा है। तो चलिए हम व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेते हैं। व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको उसे ओपन कर लेना है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है, तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने नंबर गलत प्रोवाइड किया है तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपके पुराने व्हाट्सएप पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आप अपने पुराने फोन से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, आपको ओटीपी का प्रोसेस देखने को मिलेगा जो की आपके नंबर पे आ जाएगा ओटीपी। उसके बाद आपको कंटिन्यू अलाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपने जो बैकअप करा है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो अभी रिस्टोर कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो जैसा कि हमने रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे टाइम लगने वाला है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे मैसेजेस देखने को मिल जाता है जो ये बैकअप करके रखा हुआ था, और ये बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहेगा। दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको रिस्टोर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो चलिए हम रिस्टोर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप डीपी देखने को मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं रिस्टोरिंग मीडिया का आपको एक प्रोसेस देखने को मिल जाता है जो की आपको बैकग्राउंड पे देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे सारा मैसेजेस देख सकते हैं जो आपको पहले ओल्ड फोन पे देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने पुराने फोन से नए फोन पे व्हाट्सएप के सारे डेटा एंड फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो बड़े ही आसानी से। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन कॉल पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।